हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी सॉम के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग विदिन द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज, ऑप्शन दिया है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी तो आपको पता है, ये होता है ड्रॉ इन टू थिन वायर अंडर टेंसाइल लोड, और मेलेबिलिटी होता है ड्रॉ इन टू थिन सीट अंडर कंप्रेसिव लोड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, रेजिलेंस। और टफनेस होगा ऑब्जॉर्ब शॉक लोडिंग, ये शॉक लोडिंग ऑब्जॉर्ब करता है उसको, और टफनेस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। रेजिलेंस ऑफ मटेरियल इज कंसीडर व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू, तो रेजिलेंस होता है जो शॉक एनर्जी ऑब्जर्व करता है, यानी ये हो जाएगा फोर्थ, शॉक लोडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हुक्स लॉ होल्ड गुड अप टू, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। ऑप्शन दिया है एल्ड पॉइंट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ब्रेकिंग पॉइंट, इलास्टिक लिमिट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टू, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हेन अ वायर इज स्ट्रेस्ड टू डबल इन अ लेंथ द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस इन इट इज, तो देखिए इनिशियल लेंथ इक्वल टू एल वन हो जाएगा और फाइनल लेंथ इक्वल टू ट्वाइस एल। क्यों? व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच टू डबल, ये है स्ट्रेच करने के बाद डबल हो जा रहा, तो फाइनल लेंथ डबल। तो क्या पूछ रहा, द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस इन इट इज, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा फाइनल लेंथ यानी ट्वाइस एल माइनस इनिशियल लेंथ एल अपॉन इनिशियल लेंथ एल। तो ये हो जाएगा एल बाय एल, ये क्या हो जाएगा वन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टू, वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द इलास्टिक कंस्टेंट ई जी एंड के आर रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन, ई होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड के फॉर बल्क मॉडुलस। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थ्री, ई इक्वल टू, ऐसे कभी कभी दिया रहता है 9 kg अपॉन 3k + g। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच मटेरियल्स हैज द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशो, तो देखिए पॉइजन्स रेशो का हम लोग वैल्यू देखते हैं। रबर का होता है 0.5 एंड कॉपर का होता है 0.35, स्टील का होता है 0.25 to 0.3, कंक्रीट का होता है 0.1 to 0.2। तो इसमें क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशो, तो ऑप्शन ए हो जाएगा रबर का 0.5 है, और 0.5 से ज़्यादा जो है पॉइजन्स रेशो नहीं होता है, मैक्सिमम पॉइजन्स रेशो जो होता है 0.5 ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। फॉर अ मटेरियल विथ पॉइजन्स रेशो 0.25, पॉइजन्स रेशो क्या होता है, म्यू है 0.25, द रेशो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो जी है, टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको ई बोलते हैं, विल बी। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसका दो फॉर्मूला होता है, एक होता है ई इक्वल टू 2g into 1 plus म्यू, एंड दूसरा फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू 3k 1 minus 2 म्यू। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूला तो यूज नहीं होगा,
ये जो होगा फॉर्मूला ये यूज नहीं होगा क्योंकि इसमें के है बल्क मॉडुलस होता है, इसमें कोई क्वेश्चन में बल्क मॉडुलस है नहीं, तो हम लोग का फॉर्मूला ये है वाला है, इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। तो चलिए देखते हैं, तो पुट करते हैं E इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू जो है पॉइजन रेशो दिया हुआ है 0.25। तो हमें क्या पूछ रहा है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो हमें पूछ रहा है g बाय e, तो क्या हो जाएगा 1 upon 2 into 1.25, ठीक है, ये हो जाएगा g बाई e मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये हो जाएगा 1 upon, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2.5, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन आंसर आ जाएगा होगा 0.4, तो ये ऑप्शन वन है राइट ऑप्शन 0.4, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम इज, ये देखिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो क्या बोल रहा है, बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट यानी यहां बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जीरो होगा, तो इसका ऑप्शन ए है जीरो। फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में या वीडियो में या किसी भी सेशन में तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, विद इन 24 आवर मैं रिप्लाई कमेंट्स का जरूर करता हूं सबको। और ये आपको कोई भी टॉपिक ऐसे लगता है कि ये टॉपिक मतलब पढ़ाना चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में बताइए, वो टॉपिक को मैं जरूर पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक का वीडियो जरूर अपलोड हो जाएगा। ये भी जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आज किसी के मेरे स्टूडेंट हैं उनके कहने पे ही ये बना रहा हूँ, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ सर्कुलर सेक्शन द सेक्शन मॉडुलस इज गिवन बाय, सेक्शन मॉडुलस पूछ रहा सर्कुलर सेक्शन का, तो देखिए सेक्शन मॉडुलस होता है, सेक्शन मॉडुलस जेड एक्स एक्स, ठीक है, तो इक्वल टू होता है पाई डी क्यू अपॉन 32, ठीक है, और पोलर सेक्शन मॉडुलस एक होता है पोलर सेक्शन मॉडुलस, इसको जेड पी बोलते हैं, जेड पी से डिनोट करते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा पाई डी क्यू अपॉन 16। तो हमें क्या पूछा है, सर्कुलर सेक्शन द सेक्शन मॉडुलस, ओनली सेक्शन मॉडुलस पूछा है, पोलर तो है नहीं, ठीक है, तो सेक्शन मॉडुलस पूछा है, तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड पाई डी क्यू अपॉन 32, ठीक है, ये पाई डी क्यू बाय 16 है, ये पोलर सेक्शन मॉडुलस है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर अकर्स ओनली इन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो देखिए पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर जैसे ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में ही पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर होता है, ये जैसे है ऐसे, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, इसको पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टू सिंपली सपोर्टेड बीम, और ऑप्शन थर्ड भी राइट है ओवरहैंगिंग बीम, क्यों, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम को अगर एक्सटेंड हम लोग करते हैं तो ये ओवरहैंगिंग बीम बन जाता है, तो इसमें भी पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर जो है आता है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द बीम डिपेंड ऑन, ऑप्शन दिया है डेंसिटी, बेंडिंग मोमेंट, सेक्शन मॉडुलस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड सेक्शन मॉडुलस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The principal plane is one which carries maximum shear stress, no normal stress, maximum resultant of stress. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस. ठीक है, ऐसे इसका प्रिंसिपल प्लेन होता है वो ये होता है मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेन एंड जीरो शियर स्ट्रेस एक्टिंग. ओके, तो इसमें ऑप्शन ये दिया है तो ये होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है. अ सॉलिड शाफ्ट ट्रांसमिट 44 किलोवाट पावर एट 700 आरपीएस, कैलकुलेट द टॉर्क प्रोड्यूस इन न्यूटन मीटर. ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले डाटा लिख लेते हैं. डाटा पावर है ट्रांसमिट 44 किलोवाट पावर, पावर हो गया P इक्वल टू 44 किलोवाट एंड स्पीड है N इक्वल टू 700 RPS. ये ध्यान से देखना, ये RPS है, RPM नहीं है. ठीक है, इसमें ये RPS है. ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है. तो इसका फॉर्मूला होता है पावर का, पावर P इक्वल टू T इंटू ओमेगा. तो T इंटू ओमेगा जो होता है क्या होता है, 2 pi n by 60 कब होगा, जब RPM में होगा. तो ये तो RPS में है तो 60 से डिवाइड नहीं करेंगे इसको, तो 2 pi n सिर्फ रहेगा. ठीक है, और ये P, तो हमारे पास क्या है, हमें क्या निकालना, क्या है टॉर्क निकालना है. तो T इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन 2 pi n. वैल्यू पुट करेंगे, 44 किलोवाट में है तो वाट में करना है, 44 इंटू 10 to the power 3 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 700. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो T का आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 न्यूटन मीटर आंसर आ जाएगा. आंसर ऑप्शन है फोर्थ, 10. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ थिन सिलेंडर कंटेन्स फ्लूइड एट प्रेशर ऑफ 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द इंटरनल डायमीटर ऑफ सेल इज 0.6 मीटर एंड टेंसाइल स्ट्रेस इन द मटेरियल इज टू बी लिमिटेड टू 9000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द सेल मस्ट हैव अ मिनिमम वॉल थिकनेस ऑफ. ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे इसमें सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस. ठीक है, तो फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, सिग्मा वन बोल लेंगे, इक्वल टू होता है पी डी अपन टू टी. ठीक है, एक लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस भी होता है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस सिग्मा टू, इसको बोलते हैं इसका फॉर्मूला है PD/40. तो ये इसमें यूज नहीं होगा. मिनिमम थिन सिलेंडर है और वॉल थिकनेस निकालना है तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस लगाएंगे. सर्कमफ्रेंशियल को हुप स्ट्रेस भी बोलते हैं, स्ट्रेस. ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे निकालेंगे हम लोग. तो क्या दिया है, सेल डायमीटर दिया है, डाटा देख लेते हैं. डायमीटर दिया है 0.6 मीटर एंड प्रेशर दिया है 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड क्या दिया है, टेंसाइल स्ट्रेस इन द मटेरियल इज टू बी लिमिटेड टू 9000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये दिया है स्ट्रेस, यानी सिग्मा दिया है 9000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये वैल्यू जो है वो पुट करते हैं इसमें, सिग्मा वन हो जाएगा 9000, पी हो जाएगा प्रेशर 500 इंटू डायमीटर 0.6 अपॉन 2 इंटू टी. तो हमें थिकनेस ही फाइंड करना है,
तो T इक्वल टू हो जाएगा 500 इंटू 0.6 अपॉन 2 इंटू 9000, ठीक है, कट कर लेंगे इसको। आप जब सॉल्व करेंगे तो T मिलेगा आपको, जो थिकनेस होगा वो मिलेगा 0.66, हाँ, तो ये हो जाएगा 0.01667, ये आपका आंसर मिलेगा। तो इसको हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 mm, ये आपको मिलेगा मीटर में मिलेगा, ठीक है, तो मीटर को mm में 17 mm, तो ऑप्शन हमारा mm में है, तो ये हो जाएगा 2 17 mm, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ स्टील 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू अ परमिसिबल शियर स्ट्रेस 10 kN पर सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ द ट्विस्टिंग मोमेंट विल बी, ओके, देख लेते हैं, या दिया है डाटा, देख लेते हैं पहले, डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, उसके बाद शियर स्ट्रेस यानी टाउ दिया है 10 kN पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड क्या करना है, देन द वैल्यू ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट यानी टी फाइंड करना है, ओके। तो इसका फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू पाई डी क्यू, एक मिनट ये आपको बता देता हूँ, ये पाई है यहाँ पे, मैं लिखना भूल गया हूँ, 5π, 10π, 15π and 20π ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है ट्विस्टिंग मोमेंट का पाई डी क्यू अपॉन 16 into tau यानी परमिसिबल शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, पाई का वैल्यू हो जाएगा 3.14 इंटू डी क्यू, डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही हम लोग रखते हैं, 2 क्यू अपॉन 16 इंटू टाउ, ये टाउ जो है कितना है 10 kN, ठीक है, 10 पुट कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3.14 इंटू 8 अपॉन 16 अपॉन 10, 8 2 16 2 5 10, ठीक है, हाँ, तो ये 5 आ गया, ये हमें 3.14 ये वैल्यू नहीं रखना था क्योंकि आंसर तो पाई में ही है हमारा, तो ये पाई रहने देते हैं, यानी 5π आंसर आ गया 5π, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 5π kN cm, ठीक है, 1 kN cm, ओके फ्रेंड्स। तो ये सॉम का हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर करें, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करें, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, और कोई भी आपको ऐसे लगता है कि आपको ये टॉपिक, जैसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो स्टूडेंट हैं मेरे, अभी बोले हैं टॉम का बनाना है वीडियो, तो मैं टॉम का वीडियो 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, और आपको भी लगता है कोई भी सब्जेक्ट जिसमें डाउट हो जो मुझे मतलब पढ़ाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, ओके, थैंक यू।